मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विधानसभा का 5 दिनी सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रविवार को सर्वदलीय बैठक करेंगे। ये बैठक विधानसभा में होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी। इस बात पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रश्नकाल बाधित ना हो, प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए। विधानसभा सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून की व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक भी सीएम हाउस में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स, विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए देंगे। सीएम शिवराज ने विधायक दल की बैठक में सदस्यों को परिवार सहित आने का न्योता दिया है। बैठक के बाद डिनर रखा गया है और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश सह संगठन मंत्री नित्यानंद शर्मा, शिवराज कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे।